Hey guys, what's up? This is Jesai from AutoCops. I'm back again with another video yet again. So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021 Hayabusa के बारे में. हर जगह लीक्स आ गई हैं, हर जगह इसकी बातें हो चुकी हैं, हर टियर वन वेबसाइट ने इस बाइक को कवर कर लिया है, बिकॉज ये हर एक इंडियन की बहुत ही ड्रीम बाइक में से एक है. आज मैं इस वीडियो में उस बाइक की स्पेसिफिकेशंस कवर नहीं करूंगा, बिकॉज वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. लिंक कार्ट ऊपर आ गया होगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं. एंड आज मैं इसकी ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये बाइक कब लॉन्च होगी, ये बाइक की लॉन्च डेट क्या है, और ये बाइक के कलर्स और छोटी मोटी स्पेसिफिकेशन जो अभी तक और ज़्यादा निकल के आ चुकी हैं. एंड गाइस, रही बात इसकी स्पेसिफिकेशन की, आपको पता ही है आपको इसके अंदर सेम उसने ही सीसी का 1300 या 1400 सीसी का इंजन देखने को मिल जाएगा. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो काफ़ी हद तक अपडेट हो चुके हैं, ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर. और रही बात इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है, बिकॉज लाइक इंडियंस लव द कर्वी डिज़ाइन ऑफ Hayabusa. यानी कि आप कोई भी बाइक को अगर आप इंडिया में सेल करना चाहते हो, जस्ट मेक इट जाइंट एंड जस्ट मेक इट साउंड गुड लाइक एन इनलाइन 4 एंड इट सेल डेफिनेटली. Hayabusa एक बहुत ही ड्रीम बाइक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मूवी ऑफ धूम, इफ इंडियंस कैन रिलेट. सो ये एक बहुत बड़ा एक सेलिंग फैक्टर बन चुका था इस बाइक का. ये बाइक बहुत ही अच्छी जा रही थी मार्केट में, बट इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया ड्यू टू BS6 नॉर्म्स एंड इट वॉज ड्यू फॉर एन अपडेट क्वाइट लॉन्ग. इस बाइक के अंदर आपको जो लॉन्च डेट है इसकी आपको देखने को मिल जाए Q2 ऑफ लाइक दिस ईयर. यानी कि आप इस बाइक को ऑन रोड बुक करा सकते हैं अराउंड अप्रैल मई तक या फिर जून तक आई शुड से. एंड इसकी बुकिंग की अभी तक कोई एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट मंथ निकल के नहीं आया है, और इसका बुकिंग अमाउंट और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो भी अभी तक निकल के नहीं आया है. रही बात इसके बाकी सारी स्पेसिफिकेशन की, इसके अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे. व्हाइट विद सर्टन काइंड ऑफ ब्लैक एलिमेंट टू इट, ब्लैक विद सर्टन काइंड ऑफ गोल्ड एलिमेंट टू इट, एंड डेफिनेटली अ सिल्वर विच इज माई पर्सनल फेवरेट विद अ रेड एलिमेंट टू इट. अब इन तीनों में से आपको कौन से कलर्स पसंद आते हैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, यू कैन जस्ट हैव अ लुक. एंड अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा कलर आपका जो फेवरेट है आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो सिल्वर और रेड किसका और फेवरेट है, बिकॉज मेरा तो वही है. सो यस, मूविंग ऑन टू द वीडियो गाइस, अब हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में. बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको ऑलरेडी बता दिया होगा क्या प्राइस रहने वाला है इस बाइक का, और वेबसाइट्स ने भी. इस बाइक का प्राइस काफ़ी हद तक बढ़ने वाला है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस Hayabusa, विच कॉस्ट अराउंड 14.5 to 15 lakhs विद एवरीथिंग ऑन इट. एंड अभी तो फिलहाल इस जो बाइक की प्राइसिंग है वो डेफिनेटली बढ़ती हुई दिख रही है. इट इज कमवेयर लाइक कमिंग अराउंड समवेयर अराउंड 18 lakhs, और लोग रूमर्स यही है कि 20 तक भी जा सकती है बाइक. बट देखना ये है क्या 20 तक जाना इतना एक सेलिंग पॉइंट रहने वाला है इस बाइक का, क्या इतनी ही सेल्स उसकी पहले अब होंगी जो पहले होती थी, बिकॉज पहले उस प्राइस कैटेगरी में Hayabusa वॉज द किंग ऑफ द मार्केट एंड इंडिया में उसे कोई डोमिनेट नहीं कर पाता था. बिकॉज आप चाहे यूज मार्केट ले लो, प्री ओन बाइक सेगमेंट ले लो, या नई बाइक सेगमेंट ले लो, Hayabusa वॉज द विनर ऑफ एवरी सेगमेंट और एवरी बाइक एंथुसियास्ट ऑल्सो, बिकॉज जिनके पास है वो बेचना नहीं चाहते और जो बेचते हैं वो वापस खरीद ही लेते हैं. सो दिस इज वट इज एक्चुअली द नशा ऑफ Hayabusa लुक्स लाइक. एनी गाइज, इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, वो तो मैंने आपको बता दी कि 18 से 20 lakh इसकी प्राइसिंग रहने वाली है. इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जून तक आ जाएगा, और आप इसको अप्रैल मई जून तक इसको आप बुक करा सकते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, बट अगर आप चाहते हो कि इस में आपको लाइक और डिटेल में जानना है इस बाइक के ऊपर, एक कार्ट आ रहा होगा अगेन ऊपर, उस पर क्लिक करके इस बाइक के बारे में और इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं. कलर्स मैंने आपको बता दिए, 3 कलर्स हैं, एंड आपको मुझे अपना फेवरेट कलर डेफिनेटली बताना है कमेंट सेक्शन में. सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू व्हेन दिस पर्टिकुलर बाइक इज लॉन्चिंग एंड व्हाट प्राइस दिस बाइक इज लॉन्चिंग एट. सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो. आई नो अगर आपको मैं थोड़ा सा लेट हो गया सेगमेंट में, बट इफ यू रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट माई चैनल, यू जस्ट स्टार्ट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एज वेल. सो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.